तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रिंटर यानी कि एपिसन का जो प्रिंटर है उसमें हम कलर कैसे मतलब कि डाल सकते हैं, यानी कि कलर अगर खत्म हो जाता आपके प्रिंटर का तो कलर आप मार्केट से जो लेकर आते हैं तो उसको कितने लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कलर को डालना कैसे। तो इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि कलर को कैसे डालना है प्रिंटर के अंदर, चाहे वो कोई भी मॉडल हो। तो बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों, आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रिंटर में कलर को डाला जाता है खत्म हो जाने तो के ये है बाद। हमारे पास ब्लैक कलर का एपिसन 003 का है। यहाँ पे ब्लैक कलर का कलर है और ये आपको 309 रुपये प्राइस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपको मार्केट में 300 तक मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये एक पैकेट में पैक है। तो दोस्तों ये रहा प्रिंटर एपिसन का L3110 प्रिंटर रहा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टैंक है, यहाँ पे ब्लैक कलर जो दिया हुआ है, ब्लैक कलर ये वाला जो ब्लैक कलर है ये हमारा पूरा खाली हो चुका है, बाकी में कलर भरा हुआ है। तब इसको मैं डाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप इसको सिंपल से इसको ओपन कर लीजिए, हल्का सा पूछ कीजिएगा तो ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए, ध्यान रहे दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि जो मतलब कि ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है ठीक उसके सामने ही क्या ही मतलब आपको टैंक खोलना है। ये कि नहीं मतलब ब्लैक कलर का येलो में डाल दिए, येलो का यहाँ पे मेजेंटा में डाल दिए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ब्लैक कलर यहाँ पर है ठीक इसके सामने का ये टैंक आपको इस तरह से उंगली से खोल लेना है। और खोलने के बाद आपको ये यहाँ से डिब्बा को खोलना है, और डिब्बा खोलने के बाद आपको धीरे से दोस्तों मतलब क्या करना है, ठीक ये जो मतलब लाइन दिया हुआ है ठीक उसके हिसाब से इसको यहाँ पे ऐसे कर लेना है। और करने के बाद आपको सिंपल सा दोस्तों इसमें तुरंत सा मतलब झटके से इसमें आपको इसमें इस तरह से डाल देना है। इस तरह से डाल के दोस्तों आप इसको छोड़ दीजिए। कुछ देर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टैंक में मतलब कि भर रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर टैंक मतलब अभी खाली था तो ऊपर में देखिए ये कलर पूरा मतलब ऊपर जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो धीरे 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 जब इसमें का मतलब पूरा खाली हो जाएगा आपका कलर, तो आप इसको आसानी से फिर इसको निकाल लीजिए। सकते हैं कि अभी आपको मतलब दिखाया था मैं पूरा टैंक मतलब खाली था, यहाँ तक खाली था। तो यहाँ पर देखिए अभी ये फुल हो रहा है, देखिए यहाँ पूरा एकदम वो टॉप तक चला गया, देखिए पूरा फुल ही हो गया मतलब। तो पूरा दोस्तों मतलब कि कलर यहाँ पे फुल हो चुका है टैंक में। अभी इसको मतलब कुछ देर के लिए आप छोड़ दिए ताकि मतलब पूरा कलर इसमें मतलब कि चला जाए। यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे एक बार में मतलब पूरा कलर मतलब कि इसमें नहीं जाएगा, थोड़ा सा बच जाएगा इसमें। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे बचा हुआ है। तो मतलब ऐसा ना हो कि आप डाले और डिब्बे को फेंक दिए, ऐसा मत कीजिए। थोड़े देर के बाद अगर जीरोस कर लेते कलर एंड हो जाता है तो फिर आप ये मतलब जो बचा हुआ कलर है उसमें यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। आप मतलब कि पूरा मतलब इसमें कलर एक बार में नहीं आ पाता है तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद में आप वैसे ही इसको आप बंद कर दीजिए, पुश कर दीजिए और फिर इसको बंद किया, आपका कलर मतलब प्रिंटर में जा चुका है, रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सीख ही गए होंगे कि कैसे प्रिंटर में अगर आपका कलर खत्म हो जाता है तो कैसे डालना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।